हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेट क्लच के ऊपर। हम डिस्कस करते हैं कि वो मल्टीप्लेट क्लच क्या होती है और उसकी कंस्ट्रक्शंस और कंपोनेंट्स और मेनली पार्ट्स के नेम। जैसे हमने क्लच की वीडियो बनाई थी वैसे ही मल्टीप्लेट क्लच है, बट डिफरेंस कुछ नहीं है। बस इसमें ज़्यादा डिफरेंस यही है कि इसमें हम एक से ज़्यादा क्लच प्लेट लेते हैं और सेम लगभग वर्किंग हमारी है जो क्लच के अंदर है वही मल्टीप्लेट क्लच के अंदर है। तो आइए हम मल्टीप्लेट क्लच क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा क्लच प्लेट यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पर मल्टीप्लेट क्लच बोलते हैं। और मल्टीप्लेट क्लच के अंदर काफ़ी सारी प्लेटें लगी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉर्क को ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए हम मल्टीप्लेट क्लच लगाते हैं। तो इट इज़ ए मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लच प्लेट एंड ड्राइविंग प्लेट, यानी उनमें एक से ज़्यादा क्लच प्लेट लगी हों, ड्राइविंग प्लेट। एज देयर आर मैनी क्लच प्लेट आर फ्रिक्शन एरिया आर इंक्रीज, जो उसका फ्रिक्शन एरिया और इंक्रीज हो जाता है, हैंस द कैपेसिटी ऑफ क्लच इज ऑल्सो इंक्रीज, और क्लच की जो कैपेसिटी है वो भी उसके साथ इंक्रीज हो जाती है। सो द क्लच कैन ट्रांसमिट टॉर्क, यानी कि वो टॉर्क को ट्रांसमिट करती रहती है और इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लेट क्लच। और हम मेन मल्टीप्लेट क्लच के पार्ट्स के नाम देखते हैं। फ्लाई व्हील है, क्लच प्लेट है, स्प्रिंग है, प्रेशर प्लेट है, डायफ्राम स्प्रिंग है और रिलीज लीवर है। और इसमें एक स्प्रेटर प्लेट भी यूज करते हैं जो उनके बीच में लगी होती है। और ये हमारा मल्टीप्लेट क्लच का डायग्राम है जो कि हमारी लगभग वर्किंग सेम है, कंपोनेंट सेम है, बस इसमें नंबर ऑफ क्लच का डिफरेंस है। तो हम इसमें क्लच है जो इंजन की पावर को गेयर बॉक्स तक इंगेज करता है या फिर डिसइंगेज करता है उसको हम क्लच बोलते हैं। और उसकी जो इंजन और डिसइंगेज करने की पावर को हम ट्रांसमिशन भी करते हैं पावर को। तो हमारी इसमें देखिए ये हमारी इनपुट शाफ्ट है जो इंजन शाफ्ट लगी हुई है, ये हमारी इंजन शाफ्ट है और ये हमारा फ्लाई व्हील है। हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, ये प्रेशर प्लेट है और ये फ्रिक्शनिंग लाइनिंग है इसके अंदर जो लगी हुई, और ये हमारी क्लच प्लेट है, इसके अंदर हमारी तीन क्लच प्लेट लगी हुई है और ये हमारा पैडल है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। तो हमारी ये भाग कंपोनेंट इनपुट शाफ्ट कनेक्ट होती है हमारी इंजन के साथ और क्रैंक शाफ्ट के साथ और डायरेक्टली इंजन से पावर मिलती है, फ्लाई व्हील को डायरेक्ट इंजन से पावर मिलती है। और इनपुट शाफ्ट कनेक्ट होती है फ्लाई व्हील से जबकि शाफ्ट रोटेट करेगी, यानी कि हमारी जो इंजन की शाफ्ट है रोटेट करेगी तो वो फ्लाई व्हील भी साथ में रोटेट करेगा। फ्लाई व्हील के ऊपर टीथ कटे होते हैं। टीथ क्यों कटे होते हैं? क्योंकि वो पिनियन के साथ कनेक्ट होता है। पिनियन क्या होता है कि पिनियन में भी टीथ कटे होते हैं और पिनियन एक सेल्फ स्टार्टिंग है जो कि हम की होल के अंदर की डालते हैं और सेल्फ रोटेटिंग करती है। और ये जो सेल्फ रोटेटिंग करती है तो ये सारा बैटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। और जब पिनियन रोटेट करता है तो फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा और इंजन स्टार्ट कर देगा। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाएगा तो इंजन को वहाँ से पावर मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारी क्लच इसके अंदर तीन क्लच प्लेट लगी हुई है तो मल्टीप्लेट क्लच हो गई हमारी। तो ये भी एक सर्कुलर डिस्क है और इसके ऊपर फिनिशिंग लाइनिंग कटी होती है दोनों तरफ तो फ्लाई व्हील के साथ इजिली कनेक्ट होती है। और क्लच प्लेट के बीच में सेपरेटर प्लेट होती है। वो सेपरेटर प्लेट कौन सी होती है? ये बीच में लगी, ये इनको बोलते हैं सेपरेटर प्लेट। और क्लच प्लेट के भी सेपरेटर है। और सेपरेटर प्लेट क्यों लगी होती है? क्योंकि अलग कर देती है एक क्लच प्लेट से दूसरी क्लच प्लेट को। और क्लच प्लेट भी हमारी जो मैक्स बनी होती है, यानी किस चीज़ से? स्टील से बनी होती है। और कई क्लच प्लेट अंदर से हमारी कास्ट आयरन की भी बनी होती है और मटेरियल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट लेते हैं जो हमारी क्लच प्लेट है। और फिनिशिंग लाइन, जो फिनिशिंग लाइनिंग है ये एस्बेस्टस की बनी होती है, हो सकती है, और कोई भी हम मटेरियल यूज कर सकते हैं। मेनली हम एस्बेस्टस यूज करते हैं फिनिशिंग लाइनिंग के लिए। तो क्लच प्लेट के अंदर जो स्प्रिंग लगे होते हैं वो डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मीन्स मतलब वो जो उसकी रोटेट होगा तो उसको एब्जॉर्ब करने में काम आती है उसकी डैम्पिंग को। और प्रेशर प्लेट, जो प्लेट और
सेपरेटर प्लेट होती है उनके ऊपर प्रेशर बनाए के रखती है, और प्रेशर बना के रखती है तो फ्लाई व्हील के साथ इंगेज होती है। तो डायफ्रैगम स्प्रिंग क्या करता है कि इसका भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो कवर हमारे कन्वेक्स शेप है के ऊपर की तरफ उभरी होती है, जो हमारा कन्वेक्स शेप है यानी ऊपर की तरफ उभरी होती है और इनके बीच में स्लोट कटे होते हैं। रिलीजिंग बेयरिंग हेल्प करता है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो डायफ्रैगम आगे की तरफ धकेलता है, यानी कि हमारा जो डायफ्रैगम स्प्रिंग है ये हमारे आगे की तरफ धकेलेंगे इस डायरेक्शन में, और जो कॉर्नर है वे उसके उल्टी डायरेक्शन में यानी कि उसके पीछे की तरफ जाएंगे, और पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारी प्रेशर प्लेट के साथ बोल्टेड होते हैं और प्रेशर प्लेट प्रेशर रिलीज है तो इन सारी प्लेटों से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो ये हमारी डिसइंगेज हो जाएंगे किसके साथ, फ्लाई व्हील के साथ। और जब हम पैडल छोड़ देते हैं तो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजिशन यानी मीन्स अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाती है तो फ्लाई व्हील के साथ इंगेज हो जाती है, जिससे इनपुट शाफ्ट की पावर आउटपुट शाफ्ट को मिल जाती है, और जो हमारी कवर प्लेट लगी होती है वो भी बोल्टेड होती है फ्लाई व्हील के साथ। जैसे हमारे फ्लाई व्हील घूमेगा तो वैसे हमारी कवर प्लेट भी घूमेगी। तो थैंक्स, अगर आपको वर्किंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।